आज मजदूरों की समस्या है सब जगह पूरे ऑल ओवर देश के अंदर, मगर कोई उद्योग के बारे में बात नहीं कर रहा है। आज से टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक ये उद्योग है। आज रविवार के दिन स्मृति ईरानी जो हमारी कपड़ा उद्योग मंत्री हैं, उनसे यहाँ के मालिक लोग उद्योगपतियों ने कहा कि हमें कुछ सहायता प्रदान की जाए, तो उन्होंने सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग खुद ही सहायता करें अपनी खुद सक्षम है। अभी ये बताया जाए कि आज मजदूर सब जा रहे हैं, पिछले 52 दिनों 54 दिनों से ये 2 महीना करीब होने को आ गया है, अभी भी सब घर पे ही बैठे हैं, कोई काम धाम चालू नहीं है। मगर उद्योग के अंदर आज जो फैक्ट्रियों की लागत है, जैसे कि सिक्योरिटी की हो गई, मेंटेनेंस हो गया, बिजली बिल हो गया, फिर उसके बाद और भी लगते हैं, तो वो सब खर्चे तो कंपनी कर ही रही है। जिसका कर्ज होएगा वो EMI भर रहेगा, जिसका बाहर से कर्ज दिया है वो ब्याज दे रहेगा, तो कंपनियों की लागत तो दिन रात बढ़ी जा रही है। कंपनियों से तो कंपनी ने उम्मीद किया था कि सरकार उनके पक्ष में कुछ करेगी, कुछ करने के चक्कर में उपलब्ध ये हो सकता था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ राहत देती तो या GST में राहत देती, जिससे कि मजदूर उनके उम्मीद पे बैठे थे कि कपड़ा उद्योग चालू होगा और हमारी नौकरी जैसा है यथासंभव बरकरार रहेगी और हमें भी कुछ भुगतान दिया जाएगा कंपनियों द्वारा। तो जब कंपनी को ही नहीं मिल रहा तो कंपनी आगे कहाँ से देगी? आज 2 महीना हो गया, आगे कब तक और कितने महीने बंद रहेगी इसका भी कोई खुलासा नहीं हो रहा है। पहले 2 शिफ्ट चलती थी, 24 आवर 2400 घंटा 3-3 शिफ्ट कंपनियाँ चलती थी, और अब वो भी नहीं परमिशन, अब 1 शिफ्ट चलाने का भी परमिशन मिलना मुश्किल है। तो आदमी प्रवासी जो मजदूर है दूसरे देश से प्रदेश से आया हुआ है तो कहाँ तक रुकेंगे? सवाल ये है कि ये सरकार कुछ राहत पैकेज नहीं देगी, कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार की नीति तो इस तरह से एक लग रही है कि छोटे जो उद्योग हैं, जिसके पास छोटे उद्योग हैं 10-20 करोड़ 2-4-5 करोड़ लगा के कंपनियां चालू की हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, 10-20 मजदूर 50 मजदूर लेके मजदूरों के साथ अपना घर चलाते, मजदूरों का भी चलता है, एक दूसरे से सब बंधे हुए हैं, तो अब इस पॉलिसी के हिसाब से तो ऐसा होगा कि छोटे उद्योग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जिस तरह भिवंडी में बहुत सारी कंपनियां छोटी छोटी थी, छोटी इकाइयां पूरी बंद हो गई, जो बड़ी बड़ी हैं वो थोड़ी बहुत चल रही हैं, और इससे तो जो ये मझली टाइप की कंपनी वो भी बंद हो जाएगी। गिने चुने खाली अडानी अंबानी और इस तरह की जो कंपनियां हैं बिरला टाटा, यही 4-5 गिनी चुनी कंपनियां रहेगी, और ये सब कंपनियां कौड़ियों के भाव करोड़ों की मशीन कौड़ियों के भाव बेच के उनके पास नौकरी चाकरी करेंगे, जो सरकार की पॉलिसी उससे तो यही दर्शाता है। तो अभी आगे सरकार को क्या करना चाहिए इसके बारे में सरकार तो सोई है, और सरकार का विचार तो लगता नहीं है, हमें ही जो करना है वो करना है।